केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह का आज भाजपा प्रदेश कार्यालय हरमू में पदभार ग्रहण समारोह किया गया। इस समारोह में मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर जी ने पदभार ग्रहण समारोह में तलवार और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस पदभार ग्रहण समारोह में भाजपा प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय कर्मवीर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा, महिला मोर्चा आरती सिंह के नेतृत्व में बढ़िया काम करेगी। आगामी होने वाले चुनाव में महिला मोर्चा की अहम भूमिका होगी और आरती सिंह के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाएं बेहतर काम कर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह के कहा कि महिला मोर्चा अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी और केंद्र और राज्य में दोनों जगह हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। सभी क्षेत्रों में महिलाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हुए कहा, मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जहां महिलाओं के सम्मान के साथ साथ उनको अनेक लाभकारी योजनाएं भी दिए और साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। महिलाएं आज देश के विकास में अपना अहम भूमिका निभा रही हैं। आज देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती भी प्रदेश कार्यालय में मनाई गई। इस समारोह में मंच संचालन डॉक्टर सीमा सिंह के द्वारा किया गया। इस पदभार ग्रहण समारोह में भाजपा प्रदेश के महामंत्री मनोज सिंह, मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरती राणा, सीमा शर्मा, गंगोत्री कुजूर, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सीमा सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा, कैसे इस चुनौती को आप करिएगा, क्योंकि अनुभव तो है आपके पास। भारतीय जनता पार्टी चुनौती को अवसर में बदलने में माहिर है और उस दृष्टि से महिला मोर्चा भी इस चुनौती को स्वीकार करती है और आने वाले समय में किसी प्रकार भी की भी चुनौती, हमारा ध्येय है कि हम कैसे हम लोकसभा में 400 पार की जो संकल्प है उसको हम पार करें। और दूसरी बात कि झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है वो पूरा जग जाहिर है कि किस तरह से आज यहाँ की जो सत्ता है वो डवाडोल है, किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से अत्याचार और एक तरह से जो पूर्व में जो हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की उसमें जिस तरह से रफ्तार पकड़ी थी झारखंड विकास की ओर जा रहा था जिस तरह से, वो बिल्कुल ही थम चुका था। और अभी की सरकार ने जो किया है वो बिल्कुल ही बोलने लायक नहीं, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। हमें तो शर्म आता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने इस तरह का काम किया और आज पूरे झारखंड का नाम उन्होंने बदनाम करने का काम किया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह सुधार होगा, निश्चित रूप से होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम झारखंड में पुनः बनाएंगे और पुनः जो विकास की गति रुकी है उसको फिर से रफ्तार मिलेगी। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा, यहाँ के किसान सभी खुश होंगे और एक तरह से सर्वांगीण विकास जिसको बोला जाता है वो दिखाई देगा। उसके लिए महिला मोर्चा काम संपर्क के लिए कुछ आप लोगों को निर्देशित किया गया घर घर जाके, पूर्व में भी अभी कार्यक्रम चल रहे थे और अभी कल भी लाभार्थी संपर्क अभियान का एक कार्यशाला हुआ था, उस कार्यशाला में भी हम थे और जिस तरह से लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जीत सुनिश्चित करते हैं। और रही बात की संपर्क की, तो लगातार हम लोग कई कार्यक्रमों के द्वारा हम घर घर जाने का काम कर रहे हैं, लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं, किसानों से संपर्क कर रहे हैं। इस तरह से कई तरह से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में फिर इसको और रफ्तार देने की जरूरत है, हम करेंगे इसको। टीएमसी के एक नेता का जो मामला सामने आया है, क्या कहेंगे उसमें? सबसे पहले तो ये विषय ही, ये एक बंगाल का ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे महिला जाति के लिए ये बड़ी संवेदनशील यह मामला है। आप देखिए किस तरह से वो शाहजहां नाम का जो टीएमसी का नेता है वो किस तरह से शर्मसार किए हुआ है, किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, वहाँ की बच्चियों पर अत्याचार कर रहा है और अपनी अपने नेता होने का वो बुरा काम कर रहा है। जिस तरह से वो बोलता है कि आपको लाभ मिला है तो हमारे पास आना होगा, किस तरह से घर घर जाकर
घर घर जाकर उसके लोग किस तरह से घर से निकाल कर बच्चियों को ला रहे हैं और अपने पास 3-4 दिन रखने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि क्या दर्दनाक स्थिति है बंगाल की। तो यह बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए संसार करने वाली बात है और इसके लिए महिला मोर्चा जोरदार इसका विरोध करती है और ऐसे नेताओं को बर्खास्त करने की अपील करती है। सबसे बड़ी बात है कि दुख की बात तो ये है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है, महिला होने के बावजूद वो मुख दर्शक बन के देख रही है। तो ये सब नहीं चलेगा, पूरे देश में यह आंदोलन चलेगा और आने वाले समय में ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाएगा। केंद्र में आपकी सरकार है तो इससे इस तरह के मुद्दे हैं, वो भी राज्य का मामला है, केंद्र हस्तक्षेप करेगा ऐसे मामलों पर, आग्रह करेंगे केंद्र से आप? देखिए, गलत जो होता है, गलत काम पर कभी भी केंद्र उसको सहमति देते हैं और हम लोग हमेशा करेंगे ऐसे बातों का। और निश्चित रूप से आज भी हमारा विरोध प्रदर्शन अभी है और ममता सरकार को हम लोग ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अगर इस तरह से अत्याचार उन्होंने बंद नहीं किया तो यह आंदोलन निरंतर चलता ही रहेगा। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।